पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपना वाणिज्य दूतावास किया बंद। अफगानिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए पाकिस्तान ने काबुल में अपना दूतावास एक सप्ताह के बंद करने की घोषणा की। बैकडोर राजनीति में भारी पड़ गए नीतीश, ले रहे हैं चुनाव का बदला। चुनाव परिणाम में पार्टी को महज 43 सीट मिलने के बाद सबसे बड़ा झटका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगा था। घटक दल भाजपा 74 सीट पाने में कामयाब रही। कोविड की तीसरी लहर बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव डालेगी, 60% अधिक घातक, लेकिन वह प्राण घातक नहीं होगी। उनका मानना था कि डेल्टा वेरिएंट अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलता है, नतीजा बच्चे इस वेरिएंट को फैलाने में बड़ा करियर बना सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बनाया विशेष टीकाकरण केंद्र, विदेश जाने वाले लोगों को लगेगी वैक्सीन। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को घोषणा की थी कि इन विशिष्ट कारणों के विदेश जा रहे लोग 28 दिन के अंतराल पर कोविड-19 रोधी टीके कोविशील्ड की दूसरी खुराक ले सकते हैं। तो अब दूर हुए किले शिकवे, अटकलों के बीच प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने की योगी आदित्यनाथ की तारीफ। कई दिनों की गर्मा गर्मी के बाद योगी दिल्ली तलब हुए तो हर किले शिकवे दूर किए गए, जिसका असर यह है कि तमाम अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। ताजमहल के दीदार का इंतजार खत्म, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधीन आते सभी म्यूजियम स्मारक 16 जून से खुलेंगे। सोलह जून से खुल जाएंगे सभी स्मारक और संग्रहालय। एएसआई के तहत सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों को 16 जून से फिर से खोल दिया जाएगा। सुशांत की मौत के एक साल पूरे, आखिर क्यों जांच रिपोर्ट पर अंतिम मोहर नहीं लगा पा रही सीबीआई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हत्या नहीं माना है। दो युवकों ने नाबालिग बालक के साथ किया रेप, सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। पीड़ित बालक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिनके हाथों में राम भक्तों का खून, उनसे सलाह की जरूरत नहीं, विपक्ष के आरोप पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। एक्टर की बरसी पर अंकिता लोखंडे ने शेयर किया वीडियो, लिखा फिर मिलेंगे चलते चलते। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि पर उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी लिखा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। टीआरएस के पूर्व मंत्री अटारा राजन ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, आज ही बीजेपी में हुए हैं शामिल। सोमवार सुबह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल के 30 पैसे प्रति लीटर और बढ़ाए गए हैं। तीन महीने 20 दिन बाद कोरोना के नए मामलों में दिखी इतनी कमी, आज आए 131 केस, 16 की हुई मौत। पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में 131 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, जिसके चलते कोरोना की संक्रमण दर अब 0.22% पर आ गई है।
एलजेपी में टूट पर बोले पशुपति पारस, पार्टी को तोड़ा नहीं बचाया है। चिराग पासवान से कोई शिकवा नहीं है, हमें उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं, वो चाहे तो पार्टी में रह सकते हैं, हमने पार्टी तोड़ी नहीं बचाई है। एम्स दिल्ली में कल से 6 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल। 2 से 6 आयु वर्ग के बच्चों पर कल से क्लिनिकल परीक्षण के लिए भर्ती शुरू होगी। कल से 6 से 12 आयु वर्ग के लिए ट्रायल शुरू होगा। येलो अलर्ट जारी, 5 दिनों तक होगी बारिश। मानसून रविवार को पूरे प्रदेश में छा गया, इस वजह से प्रदेश में मानसून की बारिश हो रही है। इसके मद्देनजर राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दुल्हन बनी यामी गौतम का सस्ते हुए वीडियो वायरल, बहन सुरीली ने किया श्रृंगार। यामी ने खुद ही शादी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करके अपनी शादी के बारे में बताया था। शादी के वक्त भले ही यामी की ज्यादा वीडियो और तस्वीरें नहीं आ पाई, लेकिन अब उनके कुछ खास वीडियो सामने आए। अफगानिस्तान में कुछ गलत हुआ तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं, शाह कुरैशी ने 14 जून को कहा कि अफगान शांति की प्रक्रिया कुछ गड़बड़ी होने पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो हम पहले ही साफ कर दें कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। शियाशी पारिवारिक ड्रामा, बागी चाचा पशुपति के घर पर 1 घंटे तक किया चिराग ने इंतजार, बिना मिले ही लौटे।